हे हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड टुडे आई एम हेयर विद सीएमए पुष्कर। ही इज कॉस्ट अकाउंटेंट एंड इन्होंने बीएचईएल में एज ए सीएमए ट्रेनिंग काम कर रखा है। आफ्टर दैट इन्होंने ओयो में, टीसीएस में, जेनपैक में और सारी जॉब इनकी ऑफ कैंपस हुई है। आफ्टर दैट अभी ये एलएनटी में सीनियर कंसल्टेंट एसएपी प्रोफाइल के लिए इन्होंने ज्वाइन किया है। सो मुझे ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। होप सो कि आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगे एंड इस जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप इस चैनल पे अपनी सीएमए जर्नी डिस्कस करोगे। थैंक यू रोहन फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म। या वेलकम। सो सबसे फर्स्ट थिंग मैं हमेशा पूछता हूँ कि क्या मतलब सीएमए कोर्स एक इस लेवल का कोर्स है कि हम बच्चों को आगे सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें सीएमए कोर्स करना चाहिए। सो आपको कैसा लगता है, क्या कहना चाहते हो आप इस बारे में? मुझे लगता है कि सीएमए एक मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड कोर्स है, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है विच इज इक्विवेलेंट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। सो मतलब किसी भी जैसे फाइनेंस में हमें आगे जाने के लिए सीएमए एक मतलब एक सीए के बराबर एक मतलब दूसरा रूट है। सीएमए क्या होता है कि 3 ईयर्स की आर्टिकलशिप होती है जो कि मैंडेटरी होती है, और सीएमए में मुझे लगता है कि इसलिए भी चूज करना चाहिए क्योंकि जॉब को एज अ ट्रेनिंग कंसीडर किया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी जो अभी तो आई थिंक हमारे टाइम पे तो 6 मंथ्स की होती थी, अभी 1 ईयर 5 मंथ्स की, अराउंड 1.6 ईयर्स की, 15 मंथ्स की हो गई है। तो वो सारी ट्रेनिंग अगर हम इंडस्ट्री में करेंगे तो वो भी इंस्टीट्यूट कंसिडर करता है। right. नहीं तो सीएमए क्या होता है कि वो फर्म में हमें 2 ईयर्स करनी पड़ती है और 1 ईयर इंडस्ट्री में। तो इस हिसाब से मतलब सीएमए को चूज करना चाहिए, और बाकी ग्रोथ मतलब इक्वल है अगर देखा जाए तो तीनों ही प्रोफेशंस में। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने सीएमए ज्वाइन किया था तो आपको सीएमए के बारे में पहले से नॉलेज था या आपको किसी ने सजेस्ट किया था या आपने रेंडमली ज्वाइन कर लिया था? किस तरीके से आपने अपने सीएमए जर्नी स्टार्ट की थी? एक्चुअली मुझे जब मैं 12th में था तो मुझे एक इकोनॉमिक्स के सर ने मतलब कहा था कि ये कोर्स सीए तो सब कर ही रहे हैं, इस पे भी मतलब कर सकते हो जो कि मतलब उसके बराबर का ही है और जॉब्स भी मतलब सीए के बराबर ही मतलब मिलती है। राइट। सो आपने उनके सजेशन पे आपने सीएमए कोर्स को ज्वाइन किया। ग्रेट। हाँ यस। सो जब इनिशियल स्टेज में थे आपने शायद फाउंडेशन से स्टार्ट किया होगा अपने सीएमए जर्नी, राइट? नहीं, मैंने स्टार्ट किया था बीकॉम से, डायरेक्ट एंट्री ली थी। ओके ओके, आपने बीकॉम से किया था। तो जब आपने बीकॉम से किया तो बीकॉम का लेबल एंड सीएमए के लेबल मतलब इसमें काफी डिफरेंस है। सो इनिशियल स्टेज में कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए हो? नहीं, बीकॉम के बाद अगर हम करते हो तो अकाउंटिंग भी मतलब थोड़ी मतलब एक बेस बन जाता है हमारा, अच्छा खासा बेस बन जाता है। तो उसके बाद सीएमए करते हैं तो थोड़ा इजी भी लगता है। ओके। सो मतलब अगर हम बीकॉम करके आते हैं तो सीएमए करना थोड़ा सही है बिकॉज वो सारी चीजें हम ऑलरेडी हम ग्रेजुएशन में पढ़ चुके होते हैं। हाँ राइट। इवन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सब कुछ मतलब एक बेस लेवल पे सब कवर रहता है बीकॉम पे। कवर रहता है। सो आपको कुछ चैलेंजेस आया हो मे बी ड्यूरिंग द योर सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल? मतलब कि अगर बिना प्रैक्टिस के अगर देते हैं पेपर तो सिर्फ मतलब कॉन्सेप्ट देख लिया और बिना प्रैक्टिस के अगर बैठते हैं तो फिर वो क्लियर करने में अकाउंट्स वगैरह के पेपर क्लियर करने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं यही कहना है कि मतलब इट नीड्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस बिफोर वी सिट इन द एग्जाम। ओके। सो आपका सारे पेपर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए थे या फिर कहीं आपको थोड़ा सा लैक सामना करना पड़ा था? नहीं, मुझे 3 अटेम्प्ट्स लगे थे इंटर एंड फाइनल में। ओके, इंटर एंड फाइनल में। तो आपने बोथ ग्रुप फिर फाइनल क्वालिफाई किया है और इंटर या फिर सिंगल सिंगल ग्रुप आपके क्वालिफाई हुई थी? मैंने वैसे बोथ ग्रुप ही हर बार अटेम्प्ट किया था। अच्छा। इंटर में मेरा ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक ओएमआईएस का जो पेपर होता है वो एग्जम्प्ट हुआ था, फिर मैंने 7 पेपर दिए थे, और फाइनल में बीवीएम का एग्जम्प्ट हुआ था तो 7 पेपर दिए थे। तो एक तरह से बहुत
कह सकते हैं। एक्चुअली जैसे अटेम्प्ट्स लगे तो जो आपकी गलतियां हो रही थी कहीं ना कहीं वो आपको मालूम चल रहा था कि आप क्या गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपके अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, तो आप बच्चों के साथ थोड़ा सा हाँ डिस्कस करना चाहोगे कि वो गलतियां वो ना करें कि उनके अटेम्प्ट्स उतने कम लगे और जल्दी वो क्वालिफाई कर जाए। हाँ मुझसे ये गलती हुई थी कि जैसे अकाउंट्स फाइनल की बात करूँ तो अकाउंट्स एंड SFM पेपर में बहुत बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैं उसमें मतलब कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ लिए और कॉन्सेप्ट की अब सब याद हो गया है, फिर बैठ गया तो फिर एग्जाम में वो सॉल्व नहीं होता है। मतलब हाथ चलना चाहिए एग्जाम में अगर हमने उनकी प्रैक्टिस नहीं की हुई है। और सेकंड चीज मैं बोलूंगा कि जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी सॉल्व करने चाहिए। तो सो प्रैक्टिस एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस सॉल्विंग, सो ये दो चीजें हैं जिन पे मतलब फोकस ये करना इस जरूरी है। फोकस करना जरूरी है। वो कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर ये यस हम करते हैं तो हम लाइफ में कभी भी फेल्योर फेस नहीं करेंगे, हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपका जैसे आपने BHEL में आपने ट्रेनिंग किया था, राइट? यस तो BHEL में ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी किस तरीके से आप मिली थी, थोड़ा सा इन शॉर्ट आप बच्चों को बचा सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। BHEL में मुझे मतलब वाउचर मेकिंग का था और एम्प्लॉय रिइम्बर्समेंट्स का, जैसे उनके एम्प्लॉयज के जो टूर एडवांसेस होते हैं या फिर मेडिकल क्लेम्स जो वो क्लेम करते थे, तो कंपनी के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग उनको रिइम्बर्समेंट जाता था, अच्छा, फिर उसके तो अगेंस्ट वाउचर बनता था पेमेंट के अगेंस्ट, ओके तो वो पूरा काम था मेरा। अच्छा, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी CMA इंस्टीट्यूट के साइट पे मिली थी या फिर आपको इंटरनल आपके किसी फ्रेंड ने वहाँ पे रेफर किया था, मतलब किस तरीके से आपका सिलेक्शन हुआ था BHEL में? ये CMA इंस्टीट्यूट में जो नोटिस बोर्ड होता है वहां पे ये नोटिस लगा था अच्छा, आपने नोटिस बोर्ड एक से देख के तरह से। आपने मेल हाँ किया, अप्लाई किया। यस, और CMA वेबसाइट पे भी आता है ट्रेनिंग्स में, ओके सो तो आफ्टर बोलो वो बोलो आप बोलो। इंटरव्यूज वगैरह सब BHEL में ही मतलब ऑफिस में कंडक्ट हुए थे। हाँ अच्छा, तो आपका नोएडा लोकेशन के लिए हुआ था या फिर क्या था आपका नोएडा लोकेशन? सेक्टर 18 वाली सेक्टर जो है, वन वन सेक्टर 18 में जो है आई थिंक। अच्छा, थर्टी सेवन 137, एक नहीं 18 में भी है ना? अच्छा हाँ वहाँ भी है, हाँ 18 में भी है। जैसे आपने CMA क्वालिफाइड किया, देन आपने कैंपस के लिए आपने ट्राई किया होगा, राइट? तो कैंपस में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था? कैंपस में क्या है कि क्रिप्को में मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था, अच्छा, तो उसमें ग्रुप डिस्कशन हुआ था, तो ओके, राइट। वहाँ ग्रुप डिस्कशन में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा मैं एक्सटेंडेड कैंपस में बैठा था, ओके, तो उधर क्या हुआ था कि मतलब जो GD जो करा रहे थे उनने पहले पूछा था कि उनको इंटरनल ऑडिट में चाहिए था, तो उनने पहले ही नाम लिख लिया था कि किसको किसको इंटरनल ऑडिट में एक्सपीरियंस है। ओके तो उन्होंने ऑलरेडी पहले ही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर लिया था, तो जो हाँ ऑलरेडी इंटरनल ऑडिट में एक्सपीरियंस थे उनको उन्होंने हायर कर लिया। यस तो मतलब अगर जैसे मेरा भी कैंपस नहीं हुआ था और हम दोनों सेम बैच के ही थे, तो मैंने कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट था जिसकी वजह से मेरा कैंपस नहीं हुआ। क्या मतलब आपका फीडबैक क्या था खुद को लेके जब आपका कैंपस नहीं हुआ था? कैंपस नहीं हुआ था तो मतलब यह तो पता था मुझे कि ऑफ कैंपस भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, और कैंपस में मतलब उनका सिलेक्शन होना मतलब इजी है जिनके पास मतलब थोड़ा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अच्छा है या फिर जॉब का एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत लोग मतलब जॉब के साथ भी ये कोर्स करते हैं तो उनके कहीं ना लिए कहीं थोड़ा इजी रहता है। एक्सपीरियंस मैटर करता है अगर आप कैंपस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। ये तो एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर अटेम्प्ट लगे हैं तो, नहीं तो सिंगल अटेम्प्ट में बहुत ग्रुप क्वालिफाइड हो। तो जब आप ऑफ कैंपस आपने जॉब सर्च करना शुरू किया, सो आई थिंक आपका ओयो फर्स्ट जॉब था। यस तो ओयो गुड़गांव लोकेशन में ही सिलेक्शन हुआ होगा, आई थिंक ओयो का ऑफिस गुड़गांव में है। अच्छा, नहीं मुझे मेरा मुंबई में हुआ था मुंबई सिलेक्शन लोकेशन के लिए ओयो हुआ का। था। मतलब किस तरीके से उसका प्रोसेस था? बिकॉज ऑफ कैंपस क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो स्ट्रगल फेस करते हैं जॉब सर्च करने में, एंड अगर थोड़ा बहुत अगर आप बताओ तो काफ़ी हेल्प मिलेगा बच्चों को किस तरीके से जॉब सर्च करना चाहिए बेसिकली।
ओयो का जॉब किसी ने, मतलब मैनेजर ने पोस्ट किया था सोशल नेटवर्क साइट पे, लिंक्डइन या फेसबुक था कोई, तो वहां से उसका एक वेडिंग्स डिवीजन है ओयो का ही। जैसे ओयो होटल्स में भी है, तो वेडिंग्स का क्या है कि वो शादी वगैरह करवाते हैं, अच्छा तो हाँ वो भी ओयो का ही है। तो फिर वो मुंबई में उसी के लिए हायरिंग हुआ था मेरा, बिजनेस फाइनेंस में। अच्छा तो विद इन द कंपनी उनको चाहिए था, मतलब उनके अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट में किसी की रिक्वायरमेंट थी, तो मतलब मुझे उनने भेजा, कंसिडर किया था, क्योंकि मैंने नॉर्थ वगैरह में मतलब रह चुका था इस वजह से। अच्छा तो मैंने वो चूज किया, फिर गुड़गांव मेरा ट्रांसफर कर दिया था। ओके उसके बाद वहां पे मेरा रोल था अकाउंट्स पेबल का। अच्छा, जब आपने इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में हाँ क्या चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल या आपके टेक्निकल स्किल या दोनों? मतलब बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे बच्चों को? 20% कम्युनिकेशन स्किल्स एंड 80% आवर बेसिक नॉलेज, ओके बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज। अगर हम अकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अकाउंटिंग नॉलेज, टैक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टैक्स, मतलब बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ओके सो वहां भी आपसे मतलब वन राउंड इंटरव्यू हुआ था या मल्टीपल राउंड्स हुए थे, 2-3 राउंड्स हुए थे ऐसा कुछ? नहीं, 1 राउंड ही हुआ था वहां पर। ओके सो आफ्टर इट आपने वहां से आपने जेनपैक में स्विच किया था, राइट? हाँ राइट। तो जेनपैक में फिर आपको किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिली? जनपैक में स्विच करने का ये मोटिव था कि वहां पे मतलब SAP सीखना था मुझे। यहाँ पे ओयो में ओरेकल था वहां, लेकिन SAP की थोड़ी ज्यादा डिमांड रहती है, तो पता था मुझे कि अगर SAP रहेगा तो फिर इन फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ अच्छी है। तो मैंने फिर ज्वाइन किया वहाँ पे जेनपैक में। वहाँ मेरा रोल था फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग में। ओके सो आपको जेनपैक में जो जॉब मिला था वो Naukri.com के थ्रू मिला था या फिर मतलब आपको आपने के किसी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया वहाँ पे? फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, मतलब एक मैनेजर ने किसी ग्रुप में डाला था, तो उस ग्रुप से उनकी मेल आईडी से हमने भेजा था, तो डायरेक्ट मतलब मैनेजर को भेजा था, तो वहां से हायरिंग भी थी। एक दूसरा रूट होता है कि HR शॉर्टलिस्ट करता है, फिर HR टू मैनेजर जाता है। एक दूसरा रूट होता है कि अगर मैनेजर किसी टीम में रिक्वायरमेंट है तो हम उसको अगर रिज्यूम भेज देंगे तो वहां से भी एक शॉर्टलिस्टिंग होती है। राइट सो आपका जेनपैक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने आई थिंक मोर देन 1 ईयर आपने जेनपैक में टाइम दिया है एंड आई थिंक आप असिस्टेंट मैनेजर की आपको पोस्ट प्रमोशन भी हुआ था जेनपैक में, आप एज ए MT ज्वाइन किए थे और नहीं AM की प्रमोशन हुई थी? अच्छा नहीं 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 हाँ वो वहाँ पे मतलब लर्निंग अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, ये कहूँगा मैं, मतलब कि एज अ एक्सपीरियंस, मतलब कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत है, एक्सपीरियंस होता है कि नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ करने के लिए जो हमें बेस चाहिए होता है, प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, वो जेनपैक प्रोवाइड करता है। सो जेनपैक्ट के बाद आपने बहुत जल्दी आपने TCS में भी स्विच कर लिया, सो फिर TCS का अपॉर्चुनिटी कैसे TCS, मिला आपको? वो TCL है एक्चुअली, क्योंकि TCS उसको बहुत लोग बोल देते हैं, फिर टाटा कम्युनिकेशंस है वो, टाटा कम्युनिकेशन है तो मतलब TCS टाटा अच्छा टाटा कंसल्टेंसी हो गया। कंसल्टेंसी एंड टाटा कम्युनिकेशन, ओके सो मतलब टाटा की टेलीकम्युनिकेशन सेक्शन का ये जॉब था, राइट? हाँ, इनका काम मतलब जो जैसे IPL मैचेस होते हैं या फिर कोई कार रेसिंग है, जो भी टेलीकास्ट होता है वो अच्छा टेलीकास्ट रिलेटेड टाटा कम्युनिकेशन ही देखता ओके सो ग्रेट, यहाँ पे है। भी काफी अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा आई थिंक। हाँ, यहाँ पे मतलब जो सिलेक्शन हुआ वो जेनपैक की जॉब के बेस पे ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग में कर रखा था, वहाँ भी डिमांड थी उनकी फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग अच्छा में, तो उसी के एक्सपीरियंस के बेस पे वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। ग्रेट वहाँ भी जो रोल थे, जो जनपैक में रोल थे, वो फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग में एसेट कैपिटलाइजेशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर, मतलब ओवरऑल सब कुछ था। और टाटा कम्युनिकेशंस में क्या था कि एक पर्टिकुलर रोल दिया गया था कि एसेट कैपिटलाइजेशन, सो अच्छा एसेट कैपिटलाइजेशन में ही था हम लोग। जैसे हम किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है,
काम करने का, तो वही था वहां पे। देन आपने फिर L&T इन्फोटेक में आपने स्विच किया TCS के, टाटा कम्युनिकेशन के बाद, सॉरी। तो हाँ। फिर L&T में किस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिली? इसकी वैकेंसी लिंक्डइन पे आई थी, तो अच्छा सेप कंसल्टेंट मतलब ड्रीम भी था उसमें जॉब करने का। तो अभी तक हम लोग क्या एंड यूजर काम कर रहे थे SAP में, राइट तो एक बार मुझे कंसल्टेंट का भी रोल मतलब एक्सपीरियंस करना था। तो मैंने जैसे ही देखा तो विद इन 5 मिनट्स अप्लाई कर दिया था मैंने, वो पोस्ट डाले ओके। हुए 5 मिनट्स ही हुए थे। सो आप जैसे आपने इतने सारे जॉब चेंजेस किए, तो इसमें मैं एक क्वेश्चन है कि हम सैलरी हाइक, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं HR के साथ निगोशिएशन नहीं कर पाते हैं सैलरी हाइक के लिए, तो यहाँ पे कुछ टिप्स देना चाहोगे? बिकॉज आपने 3 4 जॉब चेंज किया, तो आई थिंक आपका फर्स्ट जॉब से एंड लास्ट जॉब में मैं कंपेरिजन करूँ तो मोर देन हो सकता है आपने 200% का आपने हाइक ले चुका होंगे अभी तक, ठीक है? तो मतलब किस तरीके से HR के साथ निगोशिएशन करें? बिकॉज बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या सोचते हैं कि अगर मैंने ज़्यादा डिमांड कर दिया तो मेरा ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा और मेरे यहाँ से जॉब चली जाएगी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा सजेशन आप बच्चों को दो। देखिए, जैसे मतलब सब डिपार्टमेंट का अलग काम होता है, तो उसी तरह HR का काम होता है नेगोशिएशन करना। तो वो तो नेगोशिएट करेंगी कैंडिडेट को, मतलब अपना जो उनका एक्सपेक्टेशन है कि बिलो दैट हमें नहीं जाना चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेशन जिन लोगों ने मतलब अपना सेट किया होता है वो HR को क्लियर बताना चाहिए कि दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। तो अगर वो हम क्लियर बता देते हैं तो थोड़ा मतलब इजी रहता है। और अगर किसी को एज अ एक्सपीरियंस मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए वो जॉब में जाना है, तो फिर पैकेज मतलब स्टार्टिंग में नहीं देखना चाहिए। इन इनिशियल स्टेज हमें पैकेज के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, एंड ओवर द यस टाइम पैकेज तो मिल ही जाता है। हाँ यस ये तो है। तो SAP कंसल्टेंट प्रोफाइल, जैसे मेरा खुद का भी एसेंचर में सिलेक्शन हुआ है, एंड यहाँ पे भी जो सैलरी रेंज है बिटवीन 10 to 12 लाख आप बोल सकते हो SAP कंसल्टेंट को एसेंचर देते हैं, तो L&T में क्या मतलब सैलरी रेंज है SAP कंसल्टेंट प्रोफाइल के लिए? वहाँ भी यही है 9 to 13। इवन जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती रहती है वो और भी मतलब इसमें वो तो और भी बढ़ती है। सैलरी बहुत ही ज्यादा है। तो इस मतलब अगर अगर फ्यूचर एज ए SAP कंसल्टेंट हम देखते हैं, तो क्या लगता है कि अगर हम 2 4 साल अगर इस प्रोफाइल पे काम कर ले तो हम 20 30 लाख आराम से इजली अर्न कर सकते हैं आज से 4 5 साल बाद? यस हाँ, मतलब इसमें अकाउंटिंग के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सैलरी है जो हमें अकाउंटिंग में मतलब जो असिस्टेंट मैनेजर को सैलरी मिलती है जेनपैक्ट वगैरह में, वो यहाँ पे मतलब जो बेस लेवल पे होता है उसी को मिल जाती है उतनी। SAP प्रोफाइल पे करेक्ट। हाँ सो बच्चों को कुछ सजेशन एट द एंड? मैं सजेशन ये दूंगा कि जो आप लोग की ट्रेनिंग्स है वो मतलब प्रॉपर तरीके से करिए, और जो भी इंडस्ट्री की जो मोस्ट डिमांडेड स्किल्स है जैसे अभी SAP है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड वर्ड पावर पॉइंट, तो इसमें मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैंड्स ऑन होना चाहिए। ग्रेट। सो बेसिकली आप ऐसे कहाँ से बिलोंग करते हो? हरियाणा से? अच्छा नहीं, यूपी से यूपी से बिलोंग करते हो आप, बनारस के पास। बनारस के पास, हाँ अच्छी बात। तो एक्चुअली जब हम एक चीज और, जब आप बनारस आपने बोला तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन और है, स्पेशली जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बेसिकली बिहार यूपी का कल्चर काफ़ी हद तक अगर बनारस साइड देखा जाए तो काफ़ी हद तक सेम है, सिमिलर है। तो वहाँ यस पे क्या है कि कॉमर्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है अगर आप देखो तो, ठीक है? वहाँ पे साइंस साइंस स्ट्रीम को ज़्यादा फोकस दिया जाता है, या फिर जो बच्चे IAS IPS की तैयारी करते हैं। तो जब आप CMA कर रहे थे ड्यूरिंग दी आपके CMA का टाइम में, आपको कभी कुछ ऐसा कमेंट मिला कि तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो, क्या होता है, मतलब क्या इसका पता नहीं क्या करने लग गया हमारा बच्चा, ऐसा कुछ कभी हुआ? हाँ, मतलब कि हमारे भी वही है कि सिविल सर्विस में जाने के लिए बोला जाता था,
मेरा भाई भी खुद सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मुझे भी बोला जाता था कि सिविल में उसकी तैयारी करके देखो, बट मेरा इंटरेस्ट इसी में था, तो फिर मतलब तो इसी में आज मैंने आज जब आगे आप किया। मतलब ऑलरेडी सेटल्ड हो चुके हो, तो मतलब फैमिली अब क्या सोचती है आपके बारे में, कि मतलब जो मेरा बच्चा कर रहा था वो बिल्कुल सही कर रहा था? हाँ मतलब अब उन्हें पता है कि जो डिसीजन लिया था वो सही था। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो अपने साइड से तो आप कह सकते हो। मैं ये कहूंगा कि जैसे अगर जैसे हमें ट्रेनिंग में कंसिडर करना होता है कि कहाँ ट्रेनिंग करें, फर्म में करें कि कंपनी में करें, तो इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जॉब में जाने की, क्योंकि बहुत सारी ऑफ रोल जॉब्स हैं जो सेमी क्वालिफाइड को कंसिडर करते हैं, वो एज अ ट्रेनिंग भी माना जाता है। यस तो अगर वो ऑप्शन मिलता है तो हमें ऑफ रोल जॉब्स पे जा सकते हैं, या परमानेंट जॉब जो भी अगर मिलती है सीएम में सेमी क्वालिफाइड के बेस पे, ऑन साथ में सीएम में कंप्लीट। थैंक यू। डमी मतलब डमी लेने को तो मैं मना ही करूंगा, कि अगर कोई, बहुत लोग देखा है मैंने कि डमी ले लेते हैं। हाँ नहीं, डेफिनेटली मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज डमी ले लेते हो तो आपको स्टार्टिंग 2 3 4 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा सेमी क्वालिफाई करने के बाद एक यस अच्छे पैकेज पे जाने के लिए। सो डमी लेना इज नॉट ए बेस्ट ऑप्शन। आप 1 2 साल आप डिले कर दो अपने क्वालिफिकेशन को, बिकॉज अगर आपने अच्छे से ट्रेनिंग की या फिर आपने जॉब किया क्वालिफाई करने से पहले, आपका कैंपस हो सकता है। अगर आपका कैंपस होता है तो 9 10 लाख का पैकेज आप स्टार्टिंग फेज से आप अर्न कर सकते हो। सो एक अच्छा एडवांटेज है, तो आपको डमी के लिए नहीं जाना चाहिए। सो हम इस सेशन को स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर थैंक यू, कि होप सो आप लाइफ में और भी अचीवमेंट्स ऐसे लेते रहो और हम आपको अपने चैनल पे बुलाते रहे। थैंक्स।